कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया ही होगा। नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते। कहां कहां से लोग देख रहे होंगे। मैं बढ़िया हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि जितने देखने वाले लोग हैं सब बढ़िया होंगे। ओके, ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। वेल, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल में कौन से ऐसे वीडियो हैं जो टॉप लिस्ट पे हैं, टॉप 5 वीडियोस बेसिकली, और उस टॉप उन टॉप 5 वीडियोस ने कितने रुपए कमाए हैं अब तक, वो हम रिवील करेंगे। पूरा देखिएगा अच्छे से। वेल एंगल चेंज। क्या बोलता मजनू, इधर देख। बढ़िया। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं सोया नहीं हूं। नहीं, कभी कभी आंखें इसीलिए ऐसा दिखती है कि ज्यादा सो लेता हूं। पिछले 2 दिन से 24 घंटे में मैं 16 घंटे सो रहा हूं। मतलब खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं इस चीज के लिए। इतना मतलब इतना ज्यादा बॉडी को रेस्ट मिल चुका है कि क्या बताऊं। हर हाँ, इन सोते खाते जगते के बीच में मैंने एक सीरीज देखी थी बेताल। अभी जो हमारा मूवी इंडस्ट्री है ना, ये काफी ज्यादा आगे आ चुका है। इस टाइम पे मनी हाइस्ट जैसी सीरीज आ रही है, मतलब इंडिया की नहीं है लेकिन फिर भी, सेक्रेट गेम्स देख रहे हैं, फैमिली मैन देख रहे हैं, और उस टाइम पे सोचो 10 साल पुराना जो मूवी इंडस्ट्री थी, अगर वो आ जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। तो ये बेताल भी वैसा ही है, इसमें काफी मिस्टेक्स मैंने नोटिस की है। मतलब वो ऐसे ऑडियंस को दिखेगा नहीं, बट अगर आप फिल्म मेकर हो तो आप ढूंढ लोगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई मूवी आती है ना, उसको देखो और उसके बाद फिर अपना आप डिसीजन लो कि भाई क्या है। ऑब्वियसली बात है, जब हम भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें भी पता है कि कितना एफर्ट लगता है उस कंटेंट को क्रिएट करने में। तो ऑब्वियसली बात है, मूवी बनाने में काफी लोगों ने एफर्ट लिया है, तो एक बार जाके आपको देखना चाहिए उन्होंने कैसे बनाया है। कभी भी मैं किसी मूवी को ऐसा नहीं बोलता, अरे बेकार मूवी, देखने लायक नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कितना मेहनत लगता है। ये जो हमारे बच्चे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत तबाही मचा के रखी है। 2 ईयरफोन हमारे खराब हो चुके थे, 2 ईयरफोन और ऐड हो चुके हैं खराब होने की लिस्ट में। ये है मेरा ईयरफोन AKG का, जो मुझे मिला था सैमसंग के साथ में, और मेरे पास जितने भी ईयरफोन मैंने यूज किया ना, सबसे बेहतरीन साउंड इसमें आता है। इसका एक तरफ का चलता था, एक तरफ का नहीं चलता था। ये शफीक ने मेरे से बिना पूछे लिया और ये उसकी वजह से खराब हुआ, जिसकी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आया। और ये है मेरा एप्पल, है इधर पे। मैं प्लान कर रहा था हॉरर स्टोरी सुनाने का, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और ये है मेरा आईफोन का ईयरफोन, जो ये वाला। ए बाबा, क्या कर रहे हो तुम लोग, टूट पड़ोगे। दिखा रहा तुम लोग को, दिखा रहा मैं तुम लोगों ने क्या कांड किया है। और इस तरह वाला जो है वो चलता नहीं है, इसके एज यू कैन सी यहाँ पर एक टुकड़े, 2 टुकड़े। अच्छा, टपली मारूंगा ना अभी मैं। मैंने काफी कोशिश की थी, लेकिन ये जो ईयरफोन गया है ये लापरवाही की वजह से गया है, और ये काफी मतलब मेरे को पसंद आई है। देखो बच्चे लोग, तुम लोगों ने अभी बहुत मजे ले लिए, अभी मेरा टाइम है तुम्हारा मजे लेने का। अब तुमको मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं अभी अपने बच्चों पे करने वाला हूँ, और इनका रिएक्शन क्या होता है और ये कितना थड़पड़ता है वो मैं देखना चाहता हूँ। सिंपल है, इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्या। ये है टेप, और ये लगाना होता है इनके पैर में। मजनू ने तो कोई ज्यादा परेशान किया ना। हाँ, पकड़ो उसका पैर, चिपका। हाँ, हाँ। इसको भी लगाते, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़। बहुत परेशान किया लोगों ने। इसको चारों पैर पे लगेंगे। ये लड़ता हुआ था ना, इन्हें ज्यादा एयरफोन खराब किए। छोड़ दो है, बहुत मजे लिए तुम लोगों ने, अभी थोड़ा तुम्हारी बारी है हमें मजा देने की। क्या स्पीड मार रही ये एक दूसरे को देख रहे कि क्या हो गया हमारे साथ। तुमने किया, तुमने किया, कौन किया हमारे साथ ये। उनके पैर में ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने लोहा बांध दिया है, वो लोग हिल नहीं पा रहे। नहीं खेलेंगे अब, उनको कुछ नहीं करना है। आओ चलो, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ यार इधर, अच्छा नहीं लग रहा। आ जाओ, बस हो गया, तुम लोग का मजा ले लिया मैंने। निकाल देता, निकाल देता, निकाल देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से कोई भी ईयरफोन मेरा नहीं काटना, समझे? समझे क्या? समझे। इन लोगों को ना सजा देंगे हम लोग, जैसे जैसे लोग ईयरफोन काटेंगे ना, इनको पूरा दिन ये बांध के रखेंगे, इनके पैरों में घुंगरू बांध के रहेंगे। क्या बोलता है, घुंगरू सेट। और देखो यार ये लोग कितने बड़े हो गए। जब बुरा मत मानना, जब
तुम लोगों ने ये फोन काटा, हमने बुरा नहीं माना, तुम भी बुरा मत मानो, जाओ। ओह ये क्या बात है, फुल ओवर एक्टिंग के साथ। ये सही में ज्यादा ओवर ओवर से ऊपर हो गया ये। अरे अभी नहीं, तुम अपना ओरिजिनल एक्टिंग भी भूल गए ओवर के चक्कर में, पता है तुमको? ऐसा नहीं, ये कहां से सीखे? बेलगम से, बेलगम से लाया उसको। हाँ तो देवी और सजनों, अभी हम रिवील करने जा रहे हैं अपने टॉप 5 अर्निंग वीडियोस। पहले तो ये देखेंगे कि टॉप 5 वीडियो कौन कौन से हैं। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आप देखना वीडियोस वाले सेक्शन में एक ऑप्शन है सॉर्ट बाय मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर में वो वीडियोस आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा व्यूज जो है मनाली टू केलोंग रोहतांग पास 2 साल पहले का वीडियो है जिसमें 4 मिलियन व्यूज है। जब मैंने इसको अपलोड किया था ना उस टाइम पे इस पे 10,000 व्यूज था, और कभी मैंने जिंदगी में भी ये सोचा नहीं था कि ये वीडियो 4 मिलियन पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच गया, कहां से पहुंच गया वो नहीं पता। उसके बाद में जब मैं राजस्थान ट्रिप पे गया था क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उस पे है 3.4 मिलियन व्यूज। थर्ड वाला जो वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एमएसके वर्सेस इरफान जुनेजा, जो ये वाला जो वीडियो है इस पे है 2 मिलियन व्यूज। एंड फाइनली टेकिंग माय डिलीवरी ऑफ माय न्यू टाइगर 1.3 मिलियन व्यूज एंड अनबॉक्सिंग माय न्यू ट्रैम टाइगर 1.1 मिलियन व्यूज। तो ये जो 5 वीडियोज हैं यहाँ पर, इन 5 वीडियो का हम देखेंगे कि कितना अर्निंग हुआ है अभी तक। आर यू गाइस रेडी? जोरदार तालियां बजाइए पहले तो आप, तब तक मैं चाय की चूस की। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग भी हो हैं। और आप ऐसा मत सोचना कि 4 मिलियन व्यूज है तो ये ज्यादा पैसे कमाई होगी वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने एड्स उस पे रन हुए हैं और कितने क्वालिटी एड्स रन हुए हैं। अगर किसी वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज है और किसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज है, हो सकता है कि 1 मिलियन व्यूज जिसमें है वो ज्यादा पैसे कमाया है, 5 मिलियन व्यूज है। तो ये सब गेम तब होता है जब उस वीडियो पे एड चलते हैं और कितने एड उस पर रन होते हैं। एक वीडियो जिसपे 1 मिलियन व्यूज है उसमें 500K एड्स रन हुए हैं, तो हो सकता है कि 4 मिलियन व्यूज वाले पे 300K रन एड रन हुए हैं। तो सब डिपेंड करता है। हियर इज द डेटा इज द, तो मनाली टू केलोंग वाला जो वीडियो है जिसपे हमने 4 मिलियन व्यूज देखे थे, उस वीडियो का अर्निंग है 94,316 रुपीज। सब्सक्राइबर्स भी है उस वीडियो से 67,811 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जिसमें 3.4 मिलियन व्यूज थे, उस वीडियो ने कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ 39,000 रुपीस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले वीडियो में जिसमें 2 मिलियन व्यूज थे, उस वीडियो ने सिर्फ और सिर्फ कमाए हैं 15,350 रुपए। मैंने कहा था आपको कि डिपेंड करता है कि कितने एड्स उसमें चल रहे हैं। फाइनली टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय न्यू टाइगर, देखो व्यूज जो है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले वीडियो में 2 मिलियन व्यूज था उसमें 15,000, ओके, इसमें 1.3 मिलियन व्यूज लेकिन 22,000 ज्यादा कमाई है। व्यूज का मैंने बोला था कोई नहीं होता है। अनबॉक्सिंग ऑफ माय न्यू ट्रैम टाइगर जिसपे कुछ 1.1 मिलियन व्यूज थे और उस वीडियो ने कमाया है मात्र 13,900 रुपए। अब बताओ यूट्यूबर कहां से, मतलब मैं एक ट्रिप में जाऊंगा तो इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर यही सेम केस यूएस में होता ना तो वो लोग मालामाल हो जाते हैं। मिस्टर बीस्ट जो पैसे खर्चा करता है, कहाँ से आते पैसे? यहीं से तो आते पैसे, ब्रांड का इतना नहीं होता उनके पास। और हमारे यहाँ पर हम जीवित है सिर्फ ब्रांड की वजह से। तो जितने लोग भी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखते हैं, अगर कोई ब्रांड वो सामने आपके लाते हैं ना, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वही सहारा है, वही चीज़ है जिसकी वजह से आपका फेवरेट यूट्यूबर जिंदा है। सपोर्ट कीजिएगा, मत बोलिएगा कि तू बिक गया है, मत बोलिए उसको कुछ, उसको ब्रांड करने दीजिए और
वो जब ब्रांड करता है अगर वो पैसे कमा रहा है तो आपको भी खुश होना चाहिए, है ना। नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। आपने देख ही लिया, हमने पूरा चिट्ठा खोल दिया है। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी अर्निंग रिवील की थी, तो मैंने टॉप 5 वीडियोज है ना, वो वाले वीडियो में मैंने पूरा बताया था कि मैंने कितना पैसा कमाया है। उसका आई कार्ड पर लिंक होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पर जाइएगा, अभी मत जाइएगा, अभी इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गहरी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा था कि एक चीज़ है जो आपको मैं बताऊंगा, बट इट हैज़ अ प्राइस। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप लोगों ने कल या परसों का लाइव सेशन देखा होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। नौटंकी के चक्कर में खींचा ना, यहाँ तक पहुँच गए थे। 5 वीडियो का टोटल करके आप बताओ कि कितना रुपया हुआ कमेंट सेक्शन में। अभी क्या इधर कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपन कमज़ोर है। ऐसा अगर देखा जाए तो 94, 39 से मतलब 2 लाख तक करीब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। बस यार, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम, बैक अप।